दुबे का स्वागत है। देखते हैं आज के कुछ चटपटी खबरों के हेडलाइंस। बागी 3 की शूटिंग शुरू। टाइगर श्रद्धा के अलावा रितेश देशमुख भी आएंगे नजर। मी टू मूवमेंट पर अदाकार चरण खन्ना ने किया बड़ा खुलासा। रानू मंडल के बारे में बात करते हुए रो पड़े हिमेश रेशमिया। प्रभास से मिलने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा फैन, ने कूदने की धमकी। अब खबर विस्तार से। बागी 3 की शूटिंग शुरू। टाइगर श्रद्धा के अलावा रितेश देशमुख भी आएंगे नजर। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर ने आज से बागी 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म में बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख टाइगर श्रॉफ के बड़े भाई की भूमिका में नजर आएंगे। आज यानी 12 सितंबर को फिल्म की शूटिंग शुरू होने के साथ ही आगे 7 दिनों तक चलेगी। मी टू मूवमेंट पर अदाकार चाहत खन्ना ने किया बड़ा खुलासा। चाहत ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में चले मी टू मूवमेंट पर भी बात की और बताया कि कई सारे लोगों ने इस मूवमेंट का फायदा उठाया और कई लोगों ने रुपए लेकर अपना मुंह बंद कर लिया। उनसे जब पूछा गया कि वो फिल्म से अब तक दूर क्यों रहती है तो उन्होंने कास्टिंग काउच को इसका कारण बताया। रानू मंडल के बारे में बात करते हुए रो पड़े हिमेश रेशमिया। सॉन्गर लॉन्च इवेंट में हिमेश रेशमिया के साथ उनकी पत्नी सोनाली कपूर और रानू मंडल भी मौजूद थी। इस दौरान अचानक मीडिया से बात करते वक्त हिमेश रेशमिया भावुक हो गए। प्रभास से मिलने की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा फैन, दी कूदने की धमकी। तेलंगाना के जंगम में प्रभास के डाई हार्ट फैन ने बुधवार को ऐसा कुछ किया जिसने सभी को हैरान कर दिया है। प्रभास से मिलने की डिमांड करने वाले ये फैन मोबाइल टावर पर चढ़ गया। फैन ने प्रभास से न मिलने पर टावर से कूदने की धमकी भी दी। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।